इन दिनों भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुश्किलों में है। दाऊद की ये मुश्किलें उसके काम से नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि कराची में दाऊद को हार्ट अटैक आया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कराची के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती दाऊद को फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन दाऊद का दाहिना हाथ कहे जाने वाले शकील ने मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि दाऊद बिल्कुल ठीक हैं। वैसे इससे पहले भी कई बार दाऊद के खराब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें आई हैं। मीडिया ने दावा किया था कि दाऊद को ब्रेन ट्यूमर हुआ था जिसका ऑपरेशन पाकिस्तान के कराची में हुआ, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया जिसके बाद अब उसके शरीर के दाहिना हिस्से ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। मुंबई धमाकों को अंजाम देने के बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया था। इस हमले में 250 लोगों की मौत हो गई तो वहीं दर्जनों लोग जख्मी हो गए थे। पिछले काफी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छुपकर दाऊद दुनिया भर में अपने आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। कराची में बैठकर दाऊद हत्या, फिरौती और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। दाऊद के ठिकाने को लेकर भारत सरकार कई बार पाक सरकार को कई डोजियर भी सौंप चुकी है, लेकिन हमेशा की तरह पाक सरकार ने भारत सरकार के दावों को खारिज किया है। जिसके हाथ इतने मासूम लोगों के खून से रंगे हो, उसकी बिगड़ती तबीयत में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।